मुल्कबाद मोदी पर दिए गए बयान के बाद इमरान मसूद को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और इस वक्त सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक साथ लड़िए और ये जो लोग हैं गुस्से की राजनीति, क्रोध की राजनीति, एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करते हैं, इनको हम एक साथ वापस घर भेजेंगे। इनका जो गुब्बारा है इसको फोड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जहां इमरान मसूद के प्रचार के लिए इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं, वहां उनके निशाने पर एक बार फिर से विपक्ष थी, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के शाइनिंग इंडिया के गुब्बारा जिस तरह से फूटा था उसका लगातार आज की रैली में राहुल गांधी हर जगह जिक्र कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये गुब्बारा पूरी तरह से फट जाएगा जैसे पहले फट चुका है। और मोदी को धमकी देने के केस में आपको बता दें, इमरान मसूद को आज सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इससे पहले भी एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इस बयान की निंदा की थी और ये साफ तौर पर कहा था कि ये कांग्रेस की सोच नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी एक तरफ निंदा कर रहे हैं इमरान मसूद की, वहीं सहारनपुर में इस वक्त वो मौजूद थे और कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए ही प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आपको बता दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद और राहुल गांधी उन्हीं के लिए आज कर रहे थे प्रचार सहारनपुर में। और चुनावी समर्थन मसूद के समर्थन के लिए ही चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे इस वक्त राहुल गांधी, जहां उनके निशाने पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार थी। मोदी को धमकी देने के केस में एक तरफ जहां कांग्रेस ने भी इस बात पर खेद जताया कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, वहीं राहुल गांधी ने भी आज रैली में साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस की सोच नहीं है। लेकिन इस बीच उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो प्रचार के लिए सहारनपुर जरूर जाएंगे और इस वक्त आप राहुल गांधी को सहारनपुर में ही रैली को संबोधित करते हुए देख रहे थे। ये हम आपको उसी रैली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब इसे संबोधित करने के बाद राहुल गांधी आगे अपने कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। आज की इस रैली में यूपी में सहारनपुर में मौजूद राहुल गांधी ने बीजेपी को राहुल गांधी, अब नौमान मसूद जी को मैं बुलाता हूं। आदरणीय नौमान मसूद जी, आज की सभा में आदरणीय राहुल गांधी जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जनाब निर्मल खत्री जी, खामोशों को मेरा गला खराब है। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं इमरान मसूद और यहाँ जैसे ही रैली पर राहुल गांधी पहुंचे, मंच पर मौजूद उनकी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की राहुल गांधी ने। उन्होंने सहारनपुर की सरजमीन पर जा करके जो ताकत देने का काम किया, आपको कसम है इस बात की कि आने वाली 10 तारीख में पंजे के सामने का बटन दबाकर उस ताकत को जिसने इमरान को जेल में डाला है उसका जवाब देने का काम करोगे।